उत्पाद शुल्कों को लेकर अमेरिका इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की के बीच व्यापारिक विवाद गहराने से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। कई दिग्गज शेयरों में तो भारी मार पड़ी है। आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश की मुद्रा लीरा को समर्थन देने के लिए और उसकी डॉलर के मुकाबले कीमत बढ़ाने के लिए अपने देश के व्यापारियों से डॉलर बेचने का आग्रह किया था, जिसके बाद करीब 300 व्यापारियों ने 30 लाख डॉलर को तुर्की मुद्रा लीरा में एक्सचेंज करा लिया। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले शुक्रवार को तुर्की से होने वाले स्टील और एल्युमिनियम आयात पर टैरिफ दोगुना करने का आदेश दिया था, जिससे डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमतों में भारी गिरावट आ गई थी। इसके बाद तुर्की ने भी अल्कोहल, तंबाकू, कारों जैसी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। अमेरिका और तुर्की के बीच संबंध बिगड़ने की मुख्य वजह उस पादरी एंड्रयू ब्रूसन्स को समझा जा रहा है, जिसे तुर्की ने पिछले 21 महीने से नजरबंद कर रखा है। अमेरिकी पादरी ब्रूसन्स तुर्की में पिछले 23 वर्षों से रह रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि तुर्की अमेरिका पादरी ब्रूसन्स को रिहा करे। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन का तख्ता पलट होने की स्थिति आ गई थी। तुर्की का आरोप है कि इस पादरी तख्ता पलट की साजिश में शामिल है। उसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए।